तो नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है विनोद और आप देख रहे हैं टेक्नो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरा जो चैनल का मोनेटाइजेशन जो है इनेबल कैसे हुआ। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरे एंड तक देखते रहे और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। ठीक है दोस्तों, और जी हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाने से पहले एक बार चेक कर लेना, एक बंदे का मैंने लिंक दिया है। ठीक है, एक यूट्यूबर का लिंक दिया है, उसका वीडियो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था इसलिए मैंने उसका लिंक दिया। ठीक है, उसका जो व्यू सब्सक्राइबर नहीं आ रहा था उसके लिए मैंने उसका जो चैनल है उसको प्रमोट किया है। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उसका लिंक है, वहां से जाकर उसको सब्सक्राइब कर लेना। उसका चैनल का नाम है टेकी शूड। ठीक है, अगर आप भी अपना चैनल को प्रमोट कराना चाहते हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लगातार कमेंट करते रहो। ठीक है, मैं आपका चैनल जरूर चेक करूंगा, अगर मुझे पसंद आए तो मैं आपका चैनल जो है ज़रूर प्रमोट करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो उसमें बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो गाइस क्या हुआ, मेरा जो चैनल जो है मोनेटाइजेशन के लिए तो मैंने एक महीने में सब चीज़ कंप्लीट कर दिया। ठीक है, एक महीने के अंदर सब चीज़ कंप्लीट कर दिया, लेकिन कैसे कंप्लीट किया ये सुनो पहले। ठीक है, मैं जो एक महीने के अंदर 2000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गया, मेरे 4000 घंटों का वॉच टाइम भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, मेरा 12000 घंटे तक वॉच टाइम हो गया था। ठीक है, 2000 सब्सक्राइबर, 12000 घंटों का वॉच टाइम भी हो गया था। ठीक है, उसके बाद मैंने जो किया, क्या किया, मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया था, लेकिन जो मेरे चैनल में रिव्यू जो कंटेंट डाला गया था, ठीक है, डाला ही मैं था, क्योंकि मेरे व्यूज सब्सक्राइबर नहीं आ रहे थे तो मेरा जो माइंड है वो अपसेट होता गया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, जो छत्तीसगढ़ी गाना है उसको लगातार अपलोड करते गया। ठीक है, कई लोगों को ने अच्छा पसंद किया, हीरेश शिन्ना भाई का गाना है जो उसको भी अपलोड कर दिया गया। एक जो वीडियो है जिंदगी के नहीं है ठिकाना, वो वीडियो इतना वायरल हुआ। अब देखोगे यूट्यूब पर उस वीडियो को तो वो वीडियो नहीं हो, क्योंकि मैंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया, डाउनलोड करके मैंने अपने दोस्तों को दिया है वो गाना। ठीक है, कुछ दिन बाद वो अपलोड कर देगा वो जिंदगी के लिए ठिकाना, बहुत ही मस्त गाना है। ठीक है, वही वीडियो जो है मेरा वायरल हुआ। ठीक है, तो मैंने अप्लाई किया तो एक हफ्ते के बाद जो मुझे मेल आ गया कि आपने जो है रियूज्ड कंटेंट इस्तेमाल किया है, इसलिए आप यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के सदस्य नहीं बन सकते। अगर आपको यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के सदस्य बनना है तो आपको रियूज्ड कंटेंट को हटाना होगा, अपना कंटेंट डालना होगा। ठीक है, तो क्या माइंड अपसेट, कहाँ से लाऊँ 4000 घंटों का वॉच टाइम, कुछ तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या किया, मैंने पूरे वीडियो को डिलीट किया। उसके बाद मैंने अपना जो है लगातार वीडियो को वो डालते गया। ठीक है, काइन मास्टर ट्यूटोरियल अलग अलग चीज़ों के बारे में डालता गया, कोई तो वायरल हो जाए, लेकिन कोई वीडियो वायरल हो ही नहीं रहा था। ठीक है, एक दिन मेरे दोस्त ने बोला, चल भाई आज राजनांदगांव जाते हैं, टिकटॉक मीटअप है, वहाँ पर पूरे छत्तीसगढ़ के जितने टिकटॉक स्टार हैं सब लोग आने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा कि वहाँ जाकर यूट्यूब के लिए वीडियो शूट कर दूँगा, ब्लॉग बना लूँगा, तो मैं भी राजी हो गया, तो चलो चलते हैं यार ऐसे करके। ठीक है, तो मैंने राजनांदगांव पर गया। ठीक है, और बहुत बड़े टिकटॉक स्टार आए थे। ठीक है, मेन क्या कौन कौन लोग आए थे, ठीक है, मेन में मन कुरैशी हीरो भी आए थे, अमलेश नागेश भी आए थे। ठीक है, ये इन्हीं दोनों के कारण जो मेरे चैनल का एक वीडियो इतना वायरल हुआ कि आज उस वीडियो पर 140000 के ऊपर व्यूज है। ठीक है दोस्तों, उस वीडियो में एक हफ्ते के अंदर में उतना व्यूज आया। ठीक है, जब मैंने वहाँ पर जाकर YouTube के लिए वीडियो शूट किया था, सब लोग TikTok वीडियो बना रहे थे, मैं YouTube के लिए वीडियो को शूट कर रहा था। ठीक है, YouTube के लिए वीडियो अच्छा तरीके से शूट कर रहा था, जो भी स्पीच भाषण दे रहे थे कुछ भी वगैरह, तो मैंने सबको शूट किया और घर पर आकर उसको काइन मास्टर से अच्छे तरीके से एडिट किया, उसमें बहुत ही मस्त मस्त सॉन्ग डाले कि आप लोगों को पसंद आ जाए। ठीक है, बहुत ही अच्छा तरीके से धांसू टाइप के उसको एडिट किया, फिर यूट्यूब पर अपलोड किया। ठीक है, दो दिनों तक तो अच्छा खासा व्यूज नहीं आया था। ठीक है, लगभग 1000 व्यूज आया थे। ठीक है, उसके बाद 4 दिनों में उस वीडियो में 120000 से ऊपर व्यूज आया गया। अब आज उस वीडियो में 145000 के लगभग व्यूज होंगे, क्योंकि मुझे तो भी पता नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे वीडियो को शूट किया था। उसके बाद मैंने क्या किया कि वो वीडियो तो अच्छा चल गया। ठीक है, उसके बाद बहुत सारा वीडियो मैंने शूट करके रखा था। ठीक है, तो और 2 वीडियो अपलोड किया। ठीक है, अभी भी उसमें व्यूज नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आ जाता है। बट उसके बाद रीअप्लाई करने का मौका आया एक महीने बाद। ठीक है, रीअप्लाई करने का मौका आया, ठीक है, एक हफ्ते पहले। उसके बाद मैंने क्या किया, रीअप्लाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो मेरा चैनल का मोनेटाइजेशन है, कल सुबह जो है मैंने व्यूट कर देखा तो मेरे
वाईटी स्टूडियो को ओपन किया तो सभी में डॉलर का सिंबल नज़र आ रहा था। सुबह सुबह उठकर इतना 5 बजे सुबह उठा तो इतना खुशी हुआ मेरे को कि आप समझ भी नहीं सकते दोस्तों। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और ये सिर्फ आप ही लोगों की मेहरबानी है, आप ही लोगों का प्यार है, आप ही लोगों का दुआ है, ठीक है। इसी प्रकार सपोर्ट बनाए रखिए, बहुत ही अच्छा अच्छा वीडियो आने वाला है नेक्स्ट टाइम में, ठीक है। मैं इस चैनल पर थोड़ी बहुत YouTube टिप्स दूंगा, YouTube टिप्स तो हर कोई देते रहते हैं यार दोस्तों, YouTube टिप्स बहुत ही लोग देते रहते हैं, लेकिन हफ्ते में एक वीडियो ज़रूर आएगी, आप लोगों को YouTube टिप्स ज़रूर दूंगा, ठीक है। अपने चैनल को कैसे ग्रो करें एकदम 100% दोस्तों, बहुत ही 100% और कुछ हट के बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है, कुछ हट के बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। और तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर देना पहले तो, ठीक है। एक हफ्ते में ऐसा धांसू वीडियो ज़रूर आएगा हफ्ते भर के अंदर में, जो कि आपका जो चैनल है वो ग्रो होने लगेगा, ठीक है दोस्तों। और अपना भी चैनल मोनेटाइज कराना है तो लगातार कमेंट करते रहो, कमेंट कर देना यार, ठीक है। मैं आपका चैनल का जाकर देखूंगा कि आपका चैनल ठीक है कि नहीं। अगर आपका वीडियो पसंद आया तो मैं ज़रूर आपका चैनल को प्रमोट करूँगा, ठीक है दोस्तों। मैंने एक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एक बंदे का लिंक दिया, उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पहले तो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।